पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने रिटायर हो रहे और रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के जीवन को एक नई ऊर्जा और क्षमता प्रदान करते हुए पिछले 4 वर्षों में अनेक प्रकार के कल्याणकारी कदम उठाए हैं। भारत सरकार द्वारा चलाए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को अपनाते हुए जहां पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाया है, वहीं महिलाओं एवं डिसेबल्ड के सशक्तिकरण के लिए अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अर्धसैनिक बलों के लिए अनेक प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि वे रिटायरमेंट के बाद सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। पेंशन मंजूरी प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए इसकी अवधि को 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। अब कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के दिन ही कार्यालय के प्रमुख अधिकारी द्वारा पेंशन पेमेंट ऑर्डर दिया जा रहा है। अब पेंशनर के न रहने पर लंबी चौड़ी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करने से बैंक द्वारा फैमिली पेंशन जारी की जा सकती है। डिसेबल्ड बच्चों और भाई बहनों के लिए पीपीओ में को ऑथोराइजेशन की नई व्यवस्था करके उन्हें सशक्त बनाया गया है। पेंशन क्लेम फॉर्म जमा करने के दौरान किसी भी प्रकार के एफिडेविट अथवा गैजेटेड ऑफिसर्स द्वारा सत्यापन की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। अब पेंशनर्स को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस प्राप्त करने के लिए सीएमओ के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। साथ ही फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की राशि को दुगना कर 1,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। यदि पेंशनर्स की बेटी के डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स के दौरान पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो डाइवोर्स के बाद बेटी फैमिली पेंशन की हकदार होगी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए विभाग ने सिविल पेंशनर्स के लिए मिनिमम पेंशन को प्रति माह 3,500 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया है। नई सिफारिशों के तहत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन यानी ईओपी के तहत अब मिनिमम डिसेबिलिटी पेंशन को बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। पेंशन संबंधी सिफारिशों को तीव्रता से लागू करने के लिए विभाग द्वारा कॉन्कॉर्डेंस टेबल्स जारी की गई। अब सभी रिटायर होने वाले केंद्रीय सिविल कर्मचारियों की पेंशन प्रोसेसिंग भविष्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रही है। समय समय पर कर्मचारियों को SMS अलर्ट प्राप्त होने लगा है। सभी मंत्रालयों के लिए इसे अनिवार्य करके प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। अब रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। पेंशन प्रक्रिया की सटीक जानकारी देने में ये डेटा सक्षम है। भविष्य सॉफ्टवेयर को सभी पेंशन बनाने वाले दफ्तरों से जोड़ दिया गया है। इसके होने से इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ संभव हो पाया है। हम अपने सीनियर्स को रिटायरमेंट से पहले काम बंद करके ऑफिसों का चक्कर लगाते देखा करते थे, लेकिन अब भविष्य सॉफ्टवेयर ने काम को आसान बना दिया है। अब हम आखिरी दिन तक अपने ऑफिस में काम करते रहते हैं और अब हमें अपनी पेंशन फाइल का स्टेटस मोबाइल पर मिलता है। पेंशनर्स के लिए विभाग ने पेंशन पोर्टल बनाया है। इसमें तमाम सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि CPN ग्राम्स, पेंशन कैलकुलेटर, मोबाइल ऐप की सुविधा और साथ ही सारे दिशा निर्देश डाले गए हैं। पेंशन पोर्टल पर पेंशन संबंधी जानकारी और शिकायतों को दर्ज किया जा सकता है। सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें से एक है DLC यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जो अब घर बैठे दिया जा सकता है। इन डिजिटल सुविधाओं का फायदा अब तक लाखों पेंशनर्स उठा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली इन सुविधाओं से पेंशनर अब स्वयं को सशक्त महसूस कर रहे हैं। पेंशन डिपार्टमेंट ने CPN ग्राम सॉफ्टवेयर का विकास किया है। इसके जरिए पेंशनर्स की शिकायत को ऑनलाइन लिया जा रहा है। इस दिशा में होने वाली प्रगति की सूचना समय समय पर शिकायतकर्ता को प्राप्त होती रहती है। पेंशन प्रक्रिया में प्रणालीगत परिवर्तन लाने के लिए विभाग ने स्वायत्त संस्था के जरिए रूट कॉज एनालिसिस कराकर पेंशनर संबंधी शिकायतों में कमी लाने का प्रयास किया है। पेंशन संबंधी शिकायत का समाधान औसतन पहले इसमें 104 दिन लगते थे, अब 36 दिनों में हो रहा है। एक नई पहल के तहत पुरानी लंबित शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए विभाग द्वारा पेंशन अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी की
95वीं बैठक में विभाग द्वारा आयोजित पेंशन अदालतों के प्रयासों को काफी सराहा गया और इसके आयोजन को बढ़ाने पर बल दिया गया। पेंशन अदालत गुड गवर्नेंस का एक बढ़िया उदाहरण बन गया है, जहां सभी हितधारक एक ही समय में एक ही मंच पर समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। इस तरह हजारों पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान हो रहा है। सिपन ग्राम्स इज एन एक्सेलेंट इनिशिएटिव, बट समटाइम्स द कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज रैंडमली क्लोज द ग्रीवियंसेस, व्हिच लीड्स द पेंशनर विद नो अदर अल्टरनेटिव बट टू फाइल अ कोर्ट केस। Therefore, Pension Adalat is an excellent platform for speedy justice, in which all the multiple stakeholders involved come on a common platform for instant resolution. पूरे देश के लगभग सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में पेंशन और पेंशनर संबंधी नए आदेशों और उपयोगी जानकारियों को प्रकाशित कराया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए पेंशन कार्य में संलग्न स्टाफ को भी नियमों के बारे में जागरूक और शिक्षित किया जा रहा है। अब तक अलग अलग मंत्रालयों और विभाग के 500 से अधिक पेंशन डीलिंग स्टाफ को विशेषकर फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन संबंधी नए नियमों और निर्देशों के बारे में जागरूक किया जा चुका है। रिटायर होने वाले कर्मचारियों के कौशल और अनुभवों को राष्ट्रीय निर्माण एवं सामाजिक कार्य की दिशा में सदुपयोग करने के उद्देश्य से विभाग ने संकल्प नाम से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। एक वर्ष के अंदर रिटायर होने वाले कर्मचारियों या स्टाफ को संकल्प कार्यक्रम के तहत PRC यानी प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग कराई जाती है। इस दौरान पेंशन बकाया संबंधी जानकारी के अलावा पेंशनर्स को सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है। देश के अर्धसैनिक बल दुर्गम क्षेत्रों में तैनात होकर अपनी सेवा प्रदान करते हैं। आमतौर पर ऐसे सुरक्षा कर्मी अपने पेंशन से जुड़ी जानकारियों से अनजान रहते हैं। इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश के अलग अलग स्थानों पर जैसे शिलोंग, आइजोल, कोहिमा, गुवाहाटी, अगरतला, जम्मू, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बड़ौदा, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और त्रिवेंद्रम में प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर अनुभव पोर्टल का निर्माण किया गया। हमने कहा है कि मेमोरी क्लाउड हम तैयार करें और शायद हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ काम शुरू किया है और एक अनुभव प्लेटफॉर्म बनाए। जो भी व्यक्ति रिटायर्ड होता है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, ड्राइवर हो तो भी, चीफ सेक्रेटरी हो तो भी, चपरासी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तरीके के कोई भी व्यक्ति जो सरकार में रिटायर्ड हो रहा है, उसको कहा जाए कि भाई तुम नौकरी आरंभ की रिटायर्ड होने तक जो भी अच्छी बातें तुम लिख सकते हो, बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं लिख सकते हो, लिखो और इस क्लाउड में डाल दो। फोटो भी डालनी हो तो डाल दो, तुम्हारी पहली नौकरी वाली फोटो डालनी हो तो वो भी डाल दो। अब कोई कपबोर्ड की जगह की कमी नहीं है जी, पूरी स्पेस आपके हवाले है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 50 साल के बाद किसी को किसी राज्य का, किसी देश का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पर लिखना हो, समाज जीवन पर लिखना हो, इतना बड़ा खजाना कभी उपलब्ध हो सकता है क्या? सहज है जी, सहज करने वाला काम है। हम अभी से उनको कहेंगे भाई तुम जब रिटायर होंगे तो तुम्हें रिटायर होते समय 2-5 पेज जितनी तुम्हारे लिखने की ताकत, बढ़िया सा चीजें, हो सकता है कुछ नेगेटिव भी होगा, कुछ होंगे जिसकी शिकायत रही होगी जिंदगी भर, मुझे ऐसा पोस्टिंग मिला, ऐसा पोस्टिंग मिला, तो वो सारी दुनिया भर को लिखता रहता होगा। जो भी हो, लेकिन हमारा काम है कि देश चलाना है तो हमें इन व्यवस्थाओं को विकसित करना चाहिए। अनुभव पोर्टल अब तक लगभग 7,000 से ज्यादा अनुभवों का खजाना बन चुका है। यह अनमोल धरोहर आने वाली पीढ़ियों को बेहतर गवर्नेंस प्रदान करने में सहायक साबित होंगी। रिटायर होने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के मकसद से विशेष अनुभव लिखे जाने पर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। अपने बेहतर अनुभवों को साझा करने के लिए विभाग द्वारा वर्ष 2016 से अनुभव पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है।
पेंशन संबंधी नीतियों और पेंशनर्स कल्याण योजनाओं पर सुझाव प्राप्त करने हेतु माननीय राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में स्कोवा से समय समय पर परामर्श किया जाता है। पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट केंद्रीय कर्मचारियों के हितों के प्रति सजग है, सक्रिय है और संवेदनशील भी है। इसकी यही प्रतिबद्धता रिटायर्ड कर्मचारियों को आजीवन उम्मीदों के दामन से बांधे रखता है और उन्हें प्रेरित करता रहता है। रिटायरमेंट के समय मन में एक डर था कि यदि पेंशन मिलने की सारी कार्रवाई समय पे पूर्ण न हो सकी तो क्या होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट से नाता तो टूट चुका होगा। पर जब रिटायरमेंट काउंसलिंग हुई तो समझ में आया कि ये डर तो बेकार था।